सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच एसटीएफ सनलाइट कॉलोनी टीम ने ठक ठक गैंग के एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जो ठक ठक मोडस ऑपरेंडी से कारों में से बैग और मोबाइल चोरी के साथ साथ स्नैचिंग की 50 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी के कब्जे से चोरी के 3 लैपटॉप व 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आरोपी की पहचान जेजे कॉलोनी इंद्रपुरी निवासी 34 वर्षीय मुकेश उर्फ मिथुन के रूप में हुई है। दिल्ली एनसीआर में ठक ठक का इस्तेमाल कर कारों में से बैग और मोबाइल चोरी की लगातार शिकायतें आ रही थी। मनोज सीडीसीपी क्राइम ब्रांच एसटीएफ स्टॉस सेकंड साइबर ने ठक ठक से चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को दबोचने की जिम्मेवारी क्राइम ब्रांच एसटीएफ सनलाइट कॉलोनी को सौंपी। आरोपियों को दबोचने की जिम्मेवारी मिलते ही अरविंद कुमार एसीपी क्राइम ब्रांच एसटीएफ ने अपनी सुपरविजन में एसटीएफ सनलाइट कॉलोनी के तेज तर्रार इंस्पेक्टर विकास राणा व इंस्पेक्टर गोविंद चैहान के नेतृत्व में एएसआई हरबीर सिंह, मनोज कुमार, एएसआई नरेश कुमार, नरेंद्र, परमजीत सिंह हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, रविंदर कुमार और कांस्टेबल जितेंद्र दलाल की एक टीम का गठन किया। टीम ने दिल्ली एनसीआर के थानों से ठक ठक मोडस ऑपरेंडी वाले सभी मामलों की जानकारी एकत्र की। वारदातों के समय का मोबाइल डंप डाटा निकाला। टीम को कई वारदात वाली जगहों पर एक सस्पेक्ट मोबाइल नंबर मिला। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस से सस्पेक्ट मोबाइल नंबर पर नजर रखनी शुरू कर दी। टीम को मुखबिरों से पता चला कि सस्पेक्ट व्यक्ति ठक ठक मोडस ऑपरेंडी से चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। टीम ने सादी वर्दी में सस्पेक्ट के सभी संभावित ठिकानों का दौरा किया और सस्पेक्ट के आसपास मुखबिरों का जाल बिछा दिया। टीम को मुखबिरों से पता चला कि सस्पेक्ट व्यक्ति ठक ठक मोडस ऑपरेंडी से मदनगीर इलाके में वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। टीम ने मदनगीर इलाके में जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में सस्पेक्ट आरोपी ने अपना नाम मुकेश उर्फ मिथुन पुत्र काली निवासी झुगी जेजे कॉलोनी इंद्रपुरी बताया। आगे की पूछताछ में आरोपी व्यक्ति ने ठक ठक मोडस ऑपरेंडी से चोरी की 50 से अधिक वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की। आरोपी व्यक्ति की निशानदेही पर चोरी के 3 लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। 34 वर्षीय आरोपी मुकेश उर्फ मिथुन पुत्र काली निवासी B18 झुगी जेजे कॉलोनी इंद्रपुरी नई दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, शादीशुदा है और इसके 5 बच्चे हैं। आरोपी समाज के बुरे तत्वों में पड़ गया और ठक ठक के तौर तरीकों का उपयोग करके कारों में बैग और मोबाइल चोरी करना शुरू कर दिया। उसने दिल्ली में स्नैचिंग और चोरी की 50 से अधिक वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। आरोपी की गिरफ्तारी से थाना नायब सराय, मंदिर मार्ग, सुभाष प्लेस, पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र, मौर्य एनक्लेव और साकेत में दर्ज चोरी और स्नैचिंग के आधा दर्जन मामले सुलझ गए हैं। क्राइम ब्रांच एसटीएफ सनलाइट कॉलोनी ने आरोपी मुकेश को धारा 41.1A के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपित से पुलिस की पूछताछ जारी है और पुलिस का दावा है कि अभी कई नए खुलासे होने की संभावना है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।